Hi, good morning, dosto. I am Vaibhav Sharma. I am part of ImpExperts, world of import export. दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि सर हम लोग एक ट्रेनिंग लेना चाहते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की या ई कॉमर्स की, लेकिन हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, कई बार छोटे छोटे इंस्टीट्यूट होते हैं, कई दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो हमारे लिए सही जगह कौन सी है, कहाँ पर जाके हमें पूरी नॉलेज, पूरी ट्रेनिंग, पूरा सपोर्ट अच्छे से मिलेगा और रेगुलर मिलेगा, ऐसा मुझे कई लोग पूछते हैं। मैं आपको आज बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताऊंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर कोई भी प्रकार की ट्रेनिंग हो, कोई भी प्रकार की लर्निंग आपको लेनी हो, ये 7 पॉइंट फॉर्मूला एक मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो ये 7 पॉइंट फॉर्मूला के आप ध्यान रखिएगा, आपको हर तरह की ट्रेनिंग में, हर तरह के डेवलपमेंट में, हर तरह की लर्निंग में ये 7 पॉइंट फॉर्मूले के बेस पे उस इंस्टीट्यूट को या ऑर्गेनाइजेशन को असेस करना है। उसके बाद आप समझ जाएंगे कि वो आपके काम का है कि नहीं है। मैं आपको बताता हूं कौन से वो 7 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, उस इंस्टीट्यूशन का बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले बैकग्राउंड देखिए कि वो कितने सालों से है मार्केट में, उसका बैकग्राउंड क्या है, जो प्रकार की ट्रेनिंग या डेवलपमेंट या ट्रेनिंग लर्निंग आपको वो देने जा रहा है, क्या वही बैकग्राउंड में वो काम भी कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बैकग्राउंड कुछ और है, खाली बिजनेस करने के लिए या पैसे कमाने के लिए उसने कुछ नए प्रोग्राम चालू कर दिए हैं। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड पुराना होना चाहिए और रिलेटेड और रेलेवेंट होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की शेप में या कोई इंडिविजुअल उसको चला रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पर प्रॉपर सिस्टम होते हैं, डिपार्टमेंट बने होते हैं, हर चीज़ का अलग डिपार्टमेंट होता है, ऑप्स अलग है, सेल्स का अलग डिपार्टमेंट है, सपोर्ट का अलग डिपार्टमेंट है, हेल्प डेस्क का अलग डिपार्टमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट है, सर्विस का अलग डिपार्टमेंट है और टेक्निकल सपोर्ट का अलग डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट इंटरेक्शन का अलग डिपार्टमेंट है। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रॉपर वहाँ पे ये सब डिपार्टमेंट होते हैं और इनकी सबकी पूरा प्रॉपर टीम होती है। वहाँ पे आपको इन डेप्थ नॉलेज ट्रेनिंग वहीं पे मिल सकता है और वहीं पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है सपोर्ट जो मिलता है आपको प्रोग्राम करने के बाद, वो सपोर्ट आपको वहीं पे मिल सकता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, खाली एक कोई इंडिविजुअल है, वो खुद ही सबको सारे काम कर रहा है, खुद ही कोचिंग दे रहा है, खुद ही क्लासेस ले रहा है, खुद ही वो आपको सब कुछ बता रहा है, पढ़ा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, सपोर्ट भी आपको वही देता है, फ़ोन भी वही उठाता है, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म में शायद आपको अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो एक बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन है आपके लिए। क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है, वो बंदा बिजी हो गया किसी दूसरे काम में, बाहर चला गया, कहीं ट्रैवलिंग में चला गया, कहीं कुछ भगवान न करे कुछ बीमार हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, आपको कोई सपोर्ट मिलने नहीं वाला है वो टाइम पे। तो कभी भी इंडिविजुअल बेसिस पे मत जाइए, कोई भी प्रकार की ट्रेनिंग हो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जाइए। एक थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है थर्ड पॉइंट थर्ड नंबर पे, वो है उसका प्रेजेंस कैसा है। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करना चाहते हो उसका प्रेजेंस कैसा है मार्केट में। अब देखिए उसके सोशल मीडिया पे वो कितना एक्टिव है, गूगल पे वो कितना एक्टिव है, अगर ये सब जगह पे उसका प्रेजेंस अच्छा है तो वो आपको हेल्प करेगा इनडायरेक्टली। अब कैसे हेल्प करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप बिजनेस करने के लिए जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं पे उसका नाम भी यूज़ करेंगे, उसका सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं कि भाई हमने ये यहाँ से ट्रेनिंग लिया है, अगर हमारा नाम ImpExperts है और आपने हमसे ट्रेनिंग लिया है तो हम जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं वो सर्टिफिकेट आपको हम लोग बोलते हैं कि वेबसाइट पर रखिए। तो आपने किसी बायर से कम्युनिकेट किया तो बायर आपकी वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ पे वो चेक करेगा कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ पे उसने चेक किया कि अच्छा इन्होंने ImpExperts से पूरा प्रोग्राम किया हुआ है, तो ImpExperts को जाके वो सर्च करेगा सोशल मीडिया में, गूगल पे, तो सब जगह पे हम लोग टॉप पे आते हैं, हमारी हाई रैंकिंग आती है, तो वहाँ से उसको ट्रस्ट आ जाएगा कि हाँ ये एक रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेंड बंदा है और ये एक प्रोफेशनली काम कर रहा है। वहाँ से उसका आधा काम तो ऐसे क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ने जा रहे हो वो वेल कनेक्टेड होना चाहिए और उसका प्रॉपर प्रेजेंस सोशल मीडिया पे, गूगल पे होना चाहिए, आज के टाइम में बहुत जरूरी है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, उसका गवर्नमेंट कनेक्ट बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि कोई ये जो पूरा आज के टाइम का जो पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ है, आपको कोई भी काम करना है बिना गवर्नमेंट की पॉलिसीज के सपोर्ट के नहीं हो सकता है। तो गवर्नमेंट के सारे कौन कौन से रूल्स हैं, रेगुलेशन है, पॉलिसीज है, सर्टिफिकेट है, स्पेशली एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर बात करें या ई कॉमर्स की बात करें, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कौन से प्रोडक्ट है, कहाँ पे जा रहे हैं, उसके लिए कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, नॉर्म्स हैं, ड्यूटीज हैं, टैक्सेस हैं और बेनिफिट्स हैं।
तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट के साथ अगर कनेक्टेड नहीं होगा, गवर्नमेंट की बॉडीज के साथ, उनकी एजेंसीज के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, उनके साथ मेंबरशिप में नहीं होगा या एसोसिएशन में नहीं होगा, तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जहां पे ये इंडिविजुअल लोग होते हैं जो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, वहां पे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर, वहां पे पूरा एक डिपार्टमेंट भी अलग बना होता है ये सब कम्युनिकेशन के लिए, और वहां से उनके टाई अप होते हैं गवर्नमेंट के साथ में। जैसे हमारे, हम खुद की बात करें अगर, तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का जो एक डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसके साथ हमारा टाई अप है। तो उनकी सारी ट्रेनिंग हम लोग कंडक्ट करते हैं। कभी भी उनके आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो हमें बुलाते हैं सबसे पहले। तो हम लोग वहां पे जाके, हमारे ट्रेनर्स होते हैं वो वहां पे सारी ट्रेनिंग देके आते हैं। फीओ में हम लोग जाते हैं, डीजीएफटी वाले हमें बुलाते हैं कई बार कोई भी प्रोग्राम करना होता है। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हमारा जो एक बॉन्डिंग बना हुआ है, उसकी वजह से उनसे जो सारे अपडेट्स आते हैं वो हम लोग अपने सारे पार्टिसिपेंट को बहुत इजीली और फास्ट ट्रैक में शेयर कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ने जा रहे हो उसका नेटवर्क अच्छा और स्ट्रांग होना चाहिए, वो वेल कनेक्टेड विद इंडस्ट्री होना चाहिए, वो बाहर की कुछ बॉडीज के साथ भी कनेक्टेड होना चाहिए, उसकी इंडिया में भी प्रेजेंस सब जगह पे होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, इम्पैक्सपर्ट्स का प्रेजेंस आज की डेट में इंडिया के हर बड़े सिटी में है, तो आपको किसी भी सिटी में कोई भी काम पड़ता है तो हमारे चांसेस हैं कि हम आपको वहाँ का कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम आपको दे सकते हैं, वहाँ का कोई लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको बेंगलोर से कुछ माल उठाना है, आपको चेन्नई से कुछ माल उठाना है, आपको दिल्ली से कुछ माल उठाना है, हम लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई सप्लायर चाहिए, दिल्ली में चाहिए, बेंगलोर में चाहिए, कलकत्ता में चाहिए, वी कैन सपोर्ट यू, क्योंकि हमारा प्रेजेंस है, हमारा नेटवर्क है। इसके अलावा गवर्नमेंट में कुछ सपोर्ट चाहिए आपको, MCCIA में कुछ काम है आपको पुणे में या मुंबई में, तो वहाँ पे हमारी मेंबरशिप है लोगों से, तो वी कैन गिव यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। तो हमारे जो ये सारे जितने भी मेंबरशिप्स हैं, टाई अप है इन सब बॉडीज के साथ में, अल्टीमेटली ये सबका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है आप देख लीजिए कि वो सब वेल कनेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद आपको एक सिक्स पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उस पर डिपेंड करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गेम प्लान कि वो आपको कैसे सपोर्ट देगा। टॉप मैनेजमेंट जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो कितना इन्वॉल्व है एक्टिविटीज में। मैंने कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे देखे हैं जो है तो टॉप नंबर के, नंबर वन पे आएंगे, नंबर टू पे आएंगे, आप गूगल पे भी जाओगे तो हर जगह पे दिखेंगे, लेकिन उनका जो मैनेजमेंट है उनको प्योर वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, प्योर वो लोग बिजनेस कर रहे हैं और लोगों को बुलाते हैं और उनसे पैसा लेते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग के नाम पे कुछ भी पढ़ा के सिखा के ट्रेनिंग देके, और उसके बाद कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है वो बहुत सारी चीज़ों में। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो कोर वैल्यूज है उनके साथ जो मैनेजमेंट की कोर वैल्यूज है वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, वो अलाइनमेंट में है कि नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट खुद इन सब चीज़ों में ही लगा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। सेवंथ एंड लास्ट पॉइंट, उसका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, उसका सपोर्ट सिस्टम कैसा है। आपने ट्रेनिंग तो ले लिया, आपने लर्निंग भी ले लिया, आपको पूरा नॉलेज हो गया, आपने सारा समझ लिया, सीख लिया सिस्टम, अब उसको अप्लाई तो आपको अब करना है ना। प्रोग्राम सिस्टम तो खत्म हो गया, या आपने बिजनेस सेटअप किया है, सेटअप तो खत्म हो गया, सेटअप तो बन गया, अब उसको आगे एग्जीक्यूट करना है, अब उसको काम करना है। तो अब आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके लिए आपको वापस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना पड़ेगा, उसके जो सपोर्ट सिस्टम है उनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर रोल प्ले आता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कितना बड़ा है, उसमें डिपार्टमेंट बने हुए हैं कि नहीं है, उनका जो टीम है सपोर्ट वाला वो कैसा है। तो यहाँ से आपको उनका सपोर्ट सिस्टम का हेल्प लेना होगा। तो सपोर्ट सिस्टम अगर स्ट्रांग नहीं होगा, जो कि इंडिविजुअल्स में तो होता ही नहीं है, और जो जहाँ पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है वहाँ पे भी कोई अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, तो वो सपोर्ट सिस्टम जितना अच्छा आपको मिलेगा उतना अच्छा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो ये सेवन पॉइंट फॉर्मूला आप किसी भी प्रोग्राम करने के लिए, किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जाए तो ये सेवन पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अगर वो सेवन कसौटी पे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप जुड़ना चाहते हो वो सही बैठता है तो आप उसके जुड़ के फायदा ले सकते हो, नहीं तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये मैंने उन चीज़ों का जवाब दिया जो मुझे लोग पूछते हैं कि सर क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है जब हम लोग कुछ ट्रेनिंग के लिए, कुछ सीखने के लिए मार्केट में जाते हैं, क्योंकि बहुत तरह के लोग होते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होता है। तो आई होप आज के बाद आपका कन्फ्यूजन खत्म और आपका पूरा क्लैरिटी आपको मिलेगा ये पॉइंट के बेस पे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और अच्छा लेके आऊँगा, और तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।